जो राम मंदिर अयोध्या में बना है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़ा दिलाएगा, आपको क्या लगता है? ऐसा है, मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ, मेरा जन्म ही राम यही अयोध्या में हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर राम निवल सैकड़ों साल पहले मर चुके हैं इस दुनिया में। मेरे पिताजी दुखी राम, मेरे भाई रामोद, मेरे मामा परशुराम, मेरे ससुर राम शिवक, तो राम तो हम हमारे रोम रोम में देश में जो हमारी किसानों की ज़मीनें रही उन पर पता नहीं कौन कौन योजना में कर दिया, ये बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकता कोई, ये तमाम मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचाने का है। अयोध्या का चुनाव बेहद दिलचस्प है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को उतारा है जिससे चुनाव कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी के 9 बार के विधायक और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। अवधेश जी, पूरे कार्यकर्ता आपके पीछे हैं, रैली के लिए आप लोग निकल रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग चल रही है, कैसा मूड है अयोध्या का? आपका मैं स्वागत करता हूँ जी, और आपको बधाई देता हूँ, आप आए और आप बातचीत हुई, जैसा मूड का सवाल है। ये लोकसभा 54 फैजाबाद आइए जी, जो अयोध्या में जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा है जी, ये 54 फैजाबाद वहीं की सीट है। तो यहाँ के सम्मानित भाइयों को, सम्मानित बहनों को, आदरणीय बुजुर्गों को और समाज के सभी सम्मानित लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। चुनाव तो यहाँ 20 तारीख को है और 5वें चरण का चुनाव जी, तो यहाँ के लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है जी। ये चुनाव यूँ तो मैं अब तक 11 चुनाव लड़ चुका हूँ जी, 9 चुनाव जीता हूँ, आज भी ये मिल्कीपुर विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन इतना लगाव, इतना स्नेह, इतना उत्साह मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये पहली बार है कि लोगों ने, चाहे जिस जात के हों, चाहे जिस उम्र के हों और चाहे जिस गांव के हों, पूरा लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पूरी तरह से हराने का जी, और मुझे अपना सांसद बनाने का जी। They have decided। मेरा एक सवाल आपसे, लल्लू सिंह सामने हैं बीजेपी के, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, जो राम मंदिर अयोध्या में बना है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़ा दिलाएगा, आपको क्या लगता है? ऐसा है, मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूँ जी, मेरा जन्म ही राम यही अयोध्या में हुआ है। मेरे ग्रैंडफादर राम निवल सैकड़ों साल पहले मर चुके हैं इस दुनिया में। मेरे पिताजी दुखी राम, मेरे भाई रामोद, मेरे मामा परशुराम, मेरे ससुर राम शिवक, तो राम तो हम हमारे रोम रोम में हैं, अब उनके किसी के नाम के आगे राम ना होगा, तो राम की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से और यहाँ के महान जनता की कृपा से पूरी तरह से फैसला ले लिया है, पूरी तरह से फैसला ले लिया मुझे जिताने का जी और उनको हटाने का। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया है, आपको लगता है कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि मंदिर को लेकर पब्लिक का मूड एक है? नो,
यहाँ कोई एक नए पैसे का संत जी यहाँ नहीं। ढिंडोरा कोई भी बाहर पीटा जाए लेकिन सोफाराइज अयोध्या इज कंसर्न, सोफाराइज दिस पर्टिकुलर इलेक्शन इज कंसर्न, देयर इज नो इफेक्ट आफ्टर टेरर। बीजेपी कहती है हमारी सरकार ना आई होगी तो मंदिर ना बनेगा। नहीं छोड़िए क्या बात करते हो, ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना, कोई भी सरकार होती तो मंदिर बनता। हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहा करते मंदिर बने जी आपसी सहमत से बने जी या न्यायालय के आदेश से बने जी, और यही सारे लोग कहते रहे, श्रद्धेय अटल जी भी यही कहते रहे, सारे लोग कहते रहे मंदिर आपसी समझौते से या न्यायालय के आदेश। तो ना न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया तो कोई भी सरकार होती जी तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने। मुद्दे क्या है अयोध्या के है? मुद्दे आपके हिसाब से क्या है, जो प्रमुख मुद्दे अयोध्या के, अयोध्या वासी क्या चाहते हैं? ऐसा है मुद्दा है हमारा महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है लोगों को जो उजाड़ा गया है उनको बसाने का है। उजाड़ा गया है किस तरह से? अरे घरों को तोड़ा गया, उजाड़ा गया है, जमीनें ले ली गई, दुकानें ले ली गई हैं और बाहरी लोगों को जी उनको बसाने का, और 10 किलो के रेडियस में जो हमारी किसानों की जमीनें रही उन पे पता नहीं कौन कौन योजना में कर दिया, ये बेच नहीं सकती, खरीद नहीं सकता कोई, ये तमाम मुद्दे हैं जी। और सबसे बड़ा मुद्दा संविधान बचाने का है। बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था की इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों के लिए, करोड़ों करोड़ों पिछड़ी जात के लिए, किसानों करोड़ों अल्पसंख्यकों के लिए और करोड़ों करोड़ों सभी देशवासियों के लिए बनाया, तो उनका ये संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है और देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको सरकारी नौकरी देने का है, इस देश से महंगाई दूर करने का जी। और उजड़े हुए लोगों को बसाने का है, जिनकी जमीनें ली गई हैं कौड़ी की मांग उनको पूरा मुआवजा दिला। लेकिन बीजेपी से जब विकास को लेकर सवाल होता है, क्योंकि आप बहुत पुराने नेता अपने अयोध्या के रगड़ से वाकई आपने देखा है जल्दी की, बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा, तो वो यही बात दोहराते हैं कि जो कारसेवकों पर गोली चलेगी, आपको लगता है वो मुद्दा आज भी चल रहा है? राख हो गया, राख हो गए, उसके बाद भी हमारी सरकार बनी जी, उसके बाद भी हमारी सरकार बनी जी, हम खुद मुख्यमंत्री बने जी, आप बने, हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, ये सारे मुद्दे राख हो गए हैं जी। और इन्होंने जो वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे, 3 महीने 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, किसानों का आमदनी दूनी करेंगे, ये सब सवाल आज हैं जिसका जवाब भाजपा ही नहीं दे पा रहे हैं और इनको जानकारी हो गई है कि अयोध्या गई टक्कर मारना है बढ़िया, और माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, रोड शो किया था जी, कुछ नहीं बोले, हाथ हिलाते चले गए, हजारों बसें लगाया था सरकारी, एक भी आदमी बैठने को तैयार नहीं था, लोगों में चर्चा हो गई कि मोदी जी आए कोई गड़िया पर बैठे को देखने नहीं गया, कुछ बोले नहीं, भाजपा मिनासा। अब कल योगी जी आए हैं और अखबारों पर्चा दाखिल करने के लिए वो आए थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पुष्करधामी, जो खुद MLA चुनाव हार चुके हैं, यहाँ आए थे लोकसभा जिताने के लिए, योगी जी लगे हैं 3-3, 4-4 बार, प्रधानमंत्री 2 बार आए और अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबको लगा दिया है, घर घर जा रहे हैं
कोई असर नहीं है। आखिर क्या कारण है, क्या कारण है प्रधानमंत्री दो दो बार, क्या कारण राष्ट्रपति जी भी आई, क्या कारण योगी पड़े हुए हैं, इसका कोई असर नहीं है। आपको अगर जानकारी होगी तो घोसी का हमारा चुनाव हो रहा था, सारी सरकार पड़ी थी, सारे मंत्री पड़े थे, सारे एमएलए पड़े थे भाजपा की। हमारी पार्टी जीती है 46,000 वोट से, तो इनके आने जाने का कुछ नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में समय दिया हम लोग को कैंपेनिंग के लिए। देखिए लगातार निकल रहे हैं कार्यकर्ता हैं, इनके आवास पर बिल है ऑलरेडी इग्नोर्ड जी, बिल है डिसाइडेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट लाइक वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है, इस तरह की सरकार देश में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी। चलिए सर, ऑल द वेरी बेस्ट। जब बनेगी तो इस देश के करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा और ये अग्निवीर खत्म करेंगे, फौज में बढ़िया नौकरी देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, महिलाओं के खाते में 1,00,000 रुपए जाएगा, लैपटॉप देंगे, खुशहाल हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान बनाएंगे जो जिस हिंदुस्तान की कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने, समझ गए, आदरणीय चौधरी चरण सिंह ने, इस तरह का खुशहाल हिंदुस्तान बनाने की कल्पना है। ये हमारी कल्पना साकार होगी और देश खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी, आपने देखा किस तरह से कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच में बैठे हैं और जा रहे हैं कैंपेनिंग करने के लिए। अब देखना ये है जिस तरह की टक्कर यहाँ से मिल रही है, जिसको ये फिलहाल एक तरफा जीत मान रहे हैं सामने बीजेपी, वन साइडेड। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव रहे होते हैं।